हाँ आ रहा हूँ, मरेगा साला आज मेरे हाथों। इतनी देर लगा दी आने में, बड़े जल्दी आ गए तुम। चल माल निकाल। ये क्या मजाक है? आप इस तरह सच्चाई को कैसे झुठला सकते हैं मिस्टर तिवारी? यहाँ इस रिकॉर्ड में जिन जिन विक्टिम्स के नाम दर्ज हैं, मैंने उन सबसे बात की है और उनका कहना है कि उनको एक पैसा कमीशन नहीं मिला। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सारे पैसे अपनी जेब में डालूंगा। हमें क्या पता? हमने सुना है कि नोएडा में आपने 100 एकड़ जमीन खरीदी है। मिस्टर आचार्य, तुम इस तरह मुझ पर नीच इल्जाम नहीं लगा सकते। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं मिस्टर तिवारी? मैं तो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप हमारी जनता को इतने जवाब दे तो हैं। गलत सवाल है तुम्हारा। मुझ जैसे व्यस्त मंत्री को अपने चेले में बुलाकर उसका अपमान करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा मिस्टर आचार्य। यही है वो कमीना मिस्टर पाठक जिसने मेरे हस्बैंड को फंसाया है। प्लीज मिस्टर तिवारी, बिहेव योरसेल्फ। आप कैमरा के सामने हैं, पूरी जनता आपको देख रही है। सौरभ ने आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा, वो किसी का खून कैसे कर सकते हैं? आपके पति सौरभ का स्वयं मैं भी प्रशंसक हूं। हर रात उसका कार्यक्रम देखता हूं। उसका केस अवश्य लड़ूंगा मैं, किंतु उससे पहले मैं भेंट करना चाहूंगा उससे। क्या क्या घटा उस समय उसके मुख से सुनना चाहूंगा। चलिए, इस केस के बारे में तुम जितना जानती हो बता दो, मैं लिख लेता हूं। कलम कहां चली गई मेरी, यही तो रखी थी। चलिए पेन चली सही, बताइए। हाँ मैं बताती हूँ आपको सब। मिस्टर पाठक, मैं राजेश चक्रधर से सिर्फ वहां मिलने गया था, पर जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी और मैं उसके पास पहुंचा तो मर चुका था। मैं उसकी लाश देखकर दंग रह गया, घबरा गया। और फिर वहां से अपनी गाड़ी में घर चला गया। यार लेकिन इतनी रात गए इतनी सुनसान जगह पर, आप राजेश से मिलने क्यों गए थे? मुझे नहीं पता मुझसे ऐसी गलती क्यों हो जाती है। अगर किसी को पता चला ना सौरभ, तो मैं मर जाऊंगी। क्या है ना मिस्टर पाठक, हमारे प्रोफेशन में ऐसा होता ही है। न्यूज़ इकट्ठी करने के लिए हमें खबरियों से मिलने जाना पड़ता है, और राजेश मुझे कोई इम्पोर्टेंट खबर देने वाला था। लेकिन
उसके पास पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पता नहीं उसे किसने मारा। यार समझ में नहीं आ रहा है, इतने सीधे साधे केस के लिए मुझे क्यों बुलाया। मैं असिस्टेंट भी लड़ सकता था। खैर अभी आ गया हूँ तो 10 मिनट के अंदर केस खत्म कर दूंगा। इट्स अ सिंपल केस योर ऑनर। 29 जून की रात सौरभ आचार्य ने राजेश चक्रधर, आरोपी सौरभ आचार्य ने राजेश चक्रधर को गोराय बीच के पास एक सुनसान रास्ते में किसी बहाने से बुलाया और उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब सौरभ आचार्य अपनी गाड़ी में जा रहे थे तब राजेश चक्रधर के भाई अशोक चक्रधर ने इनको जाते हुए देख लिया, गाड़ी को देख लिया और नंबर नोट कर लिया अपनी हथेली में। जी हाँ सर, MH048973 यही उस कार का नंबर है सर। सफेद कलर की कार थी सर। और जब पुलिस को सौरभ आचार्य की गाड़ी जो थी वहाँ पे पार्क्ड मिली इनके घर के पास, तो उनके ग्लव बॉक्स में से एक गन भी मिली। योर ऑनर, ये वो यही गन है योर ऑनर। और बैलिस्टिक रिपोर्ट से साफ साबित होता है जो आपकी मेज पे पड़ी है कि राजेश चक्रधर के शरीर से जो 3 गोलियां पाई गई है वो इसी गन से चलाई गई है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट का ये कहना है कि इस गन पे जो उंगलियों के निशान है वो सौरभ आचार्य के है। 5 मिनट के अंदर अंदर इतने सारे सबूत मैंने पेश कर दिए है तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि खूनी कौन है। यही तो प्रॉब्लम है योर ऑनर कि बेवकूफों की सोच नहीं होती, समझ नहीं होती है, इसीलिए उन्हें बेवकूफ कहा जाता है। अब बेवकूफ ने ये नहीं सोचा कि राजेश चक्रधर जो एक खबरी था जिनसे खबर प्राप्त करने सौरभ वहां गए थे, सौरभ उनकी हत्या क्यों करेंगे। एक मिनट, ये गुप्त बात आपको कैसे पता चली। आपको किसने कह दिया कि राजेश चक्रधर एक खबरी था। मैं केस लड़ रहा हूँ, मेरा मुवक्किल है। नहीं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं भी प्रोसिक्यूटर हूँ। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज राजेश चक्रधर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में फुल टाइम नौकरी करता था। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, साबित भी कर सकता हूँ। उसके लिए योर ऑनर मैं मीरा जो उसी डिपार्टमेंट स्टोर में काम करती है उसको यहाँ पे बुलाकर साबित कर दूँ। परमिशन ग्रांटेड। मीरा जी, आप राजेश जी के बारे में जितना भी जानती हैं, जो भी जानती हैं, प्लीज जज साहब को बताइए। योर ऑनर, मैं और राजेश कोरेगांव ईस्ट के शॉप एंड कैफे में साथ में काम करते थे। मैं कैश काउंटर पे और वो सिक्योरिटी में। हम लोग पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और सर, मुझे नहीं लगता कि उसे मीडिया या पॉलिटिक्स की कुछ भी नॉलेज होगी सर। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक खबरी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं 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 मीरा जी, देखिए क्या होता है कि खबरी का जो काम होता है वो छिपकर किया जाता है। शायद आप ये नहीं जानती, हो सकता है कि वो खबरी रहे हो, आपको इस बात का ज्ञान ना रहा हो। सर, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। जहाँ तक मुझे पता है वो एक खबरी नहीं थे। जहाँ तक इन्हें पता है वो खबरी नहीं थे। जहाँ से इन्हें नहीं पता, क्या आपको वहां से कुछ पता है जो आप अदालत में साबित कर सकते। करूंगा ना। करिए, जाने को कह दीजिए, आप जाइए। जाइए। मीरा, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। सर, मैंने उस लड़की को कहीं देखा है। आप वही है ना जो पिछले हफ्ते हमारे स्टोर में आई थी ना, और मेंबरशिप फॉर्म भी फिल किया था आपने। नहीं तो मीरा जी, इसमें विशेष बात क्या है। आपके स्टोर में तो कई लोग आते होंगे, वो भी आई होंगी। कोई विशेष बात हो तो बताइए हमें। नहीं सर, मुझे याद आया कि मैंने इनकी पेमेंट रिसीव की थी उस दिन। तो और इनके चले जाने के बाद राजेश मेरे पास आया था। बिल बना दीजिए। कैश पेमेंट और कार्ड पेमेंट। कार्ड। ओके। वो जो भी मरून ड्रेस में लेडी शॉपिंग करके गई ना, उसने कार्ड पेमेंट किया या कैश पेमेंट किया। कार्ड से। क्यों? कुछ नहीं, उसने मेंबरशिप फॉर्म भरा है। हाँ। देना जरा मुझे।
पेन देना जरा। राजेश, ये क्या कर रहा है तू? किसी कस्टमर का नंबर इस तरह से? तू अपना काम करो ना मेरा, नंबर्स का लेन देन तो लगा ही रहेगा। जी हाँ, मैं लास्ट वीक गई थी शॉपिंग कैफे, वहाँ मैंने मेंबरशिप का फॉर्म भी भरा था, पर मुझे ठीक से याद नहीं है कि वहाँ काउंटर पर जो लड़की थी वो मीरा ही है। नहीं यार, वो जो लड़की थी काउंटर पर मीरा, उन्होंने अभी अभी कथन दिया अदालत में कि आपके मेंबरशिप फॉर्म पर से आपका टेलीफोन नंबर लिया था राजेश ने। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जायसवाल साहब, इस तरह से घूरिए मत। सुंदर लड़की है, अक्सर होता है कैफे में जब लड़कियाँ जाती हैं लड़के नंबर लेकर लड़कियों को फोन करते हैं। क्या आपको किया था राजेश ने फोन? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई कॉल नहीं आया था। क्यों? वैसे मैंने उस दिन फॉर्म पर अपने हस्बैंड का नंबर लिखा था क्योंकि मैं अपना नंबर चेंज कर रही थी। योर ऑनर, पाठक साहब, सौरभ आचार्य को राजेश ने सिर्फ फोन ही नहीं किया था बट ऑफिस में मिलने भी गया था। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं साबित कर सकता हूं। और उसके लिए मैं मयंक को यहां कटघरे में बुलाना चाहता हूं। मयंक जी, बताइए कि आपने राजेश को ऑफिस में कब देखा? वही जिस दिन सौरभ ने सदानंद तिवारी का इंटरव्यू लिया था, उसी के जस्ट बाद। वेल डन सौरभ, क्या खिंचाई की तुमने मिनिस्टर की। गॉट सर, थैंक यू सो मच। तो तुम लोगों के आज पता लगा आज तक ये कितने लोगों की पोल खोल चुका है? थैंक यू बॉस। गाइस, सौरभ मेरी चैनल का महाराणा प्रताप है, एकदम निडर और हमेशा सतर्क। उनकी गिदड़ गपियों से घबराना नहीं तुम। हाँ, आई एम विद यू। थैंक यू प्लीज। सरो सर, आपसे कोई राजेश चकदर मिलने आया? हाँ, मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी, उन्हें मेरे केबिन में भेज दो। ठीक है सर। वो सरो सर का केबिन वहाँ पर। ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा। उसके बाद राजेश चक्रधर सीधा सौरभ के कैबिन में चला गया और उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई आई डोंट नो, पर वो डेफिनेटली खबरी नहीं था यार, कोई और था, उतना तो मैं 100% कह सकता हूं। मिस्टर सौरभ आचार्य, क्या आप राजेश चक्रधर के बारे में कुछ और सच्चाई बताना चाहेंगे अदालत को जो अब तक अदालत को नहीं मालूम? योर ऑनर, जहां तक मैं जानता हूं राजेश एक खबरी था। झूठ बोल रहे हैं आप, सफेद झूठ। आप एक खबरी को मिलने जाते हैं गाड़ी में गन लेकर और बैग में 10 लाख रुपए लेकर, ऐसी कौन सी खबर देने वाला था और ऐसी कौन सी खबर नहीं दी उसने जिसके बदले में आपको गुस्सा आया और आपने उसकी जान ले ली? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब पुलिस गई थी इनके घर पे तलाशी लेने के लिए तो एक बैग मिला था। अटक साहब, ये बैग, और यही बैग है जिसमें 10 लाख रुपए थे। योर ऑनर, 10 लाख रुपए। जानते हैं जायसवाल साहब की इसमें एक आश्चर्यजनक बात है। कैसे? योर ऑनर, इन नोटों के सीरियल नंबर की जाँच के बाद पता चला है की इनमें से 7 लाख रुपए सौरभ के अकाउंट चार्टर्ड बैंक से निकाले गए, लेकिन बाकी के 3 लाख रुपए मिस रूपल पटेल की बैंक अकाउंट से निकाले गए। मैं जानना चाहूंगा उन्हें यहाँ बुला कर कि उनके बैंक अकाउंट से निकाले गए 3 लाख रुपए सौरभ की बैग में कैसे आए। ये 3 लाख रुपए आपने अपने बैंक से निकाले थे, क्या ये सही है? ये बताइए कि आपके बैंक से निकले हुए रुपए सौरभ जी के पास कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे? एक्चुअली सौरभ ने मुझसे ये पैसे उधार लिए थे और सेम डे 29 जून को। कुछ काम डिस्कस करने के लिए मैं उसके कैबिन में गई थी। सौरभ, आज शाम की न्यूज डिबेट के लिए हमने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए, डिस्कस करनी थी तुम्हारे साथ। रूपल प्लीज यार, मुझे 2-3 दिन के लिए माफ कर दो। तुम्हें जो भी काम है बॉस के साथ मिलकर हैंडल कर लो। पर तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? एनी प्रॉब्लम? हाँ यार, है एक प्रॉब्लम। खैर छोड़ो ना।
कम ऑन, बताओ, मे बी आई कैन हेल्प यू। ओके रूपल, कैन यू गिव मी 3 लाख रुपीज, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ ही रिटर्न कर दूंगा। वो क्या है कि मेरी वाइफ की मदर आईसीयू में एडमिट है और उन्हीं के इलाज के लिए मुझे बनारस पैसे भिजवाने हैं। ओके ठीक है, आई विल गिव इट टू यू। थैंक्स। मैंने सौरभ को उसी दिन अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाल कर दे दिए थे, लेकिन आज सुबह जब मैं अदालत आ रही थी तो बाहर प्रेमिसेस में मुझे सौरभ की वाइफ मिली। संजना, हाय। कैसी है आपकी मम्मी अभी? मम्मा बिल्कुल ठीक है, क्यों क्या हुआ उन्हें? अरे आईसीयू में भर्ती थी ना? नहीं, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है। किसने कहा तुमसे? I'm sure किसी ने मजाक किया होगा। आधे घंटे पहले मेरी मम्मा से बात हुई है। लेकिन जब खुद संजना कह रही है कि उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक है, तो फिर सौरभ ने मुझसे झूठ कहकर 3 लाख रुपए क्यों मांगे? अच्छा, चिंता हो रही है आपकी। क्या है, आप तो सच का नगाड़ा बजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके क्लाइंट ने झूठ का फटाफट ढोल बजा दिया। बैंड बज गई आपके केस की। घंटी बज गई जसवंत साहब, लिव टू फाइट अनदर डे। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। कर रहे थे सर? मेरी बाइक की चाबी सर। कमाल है, कभी पेन गुम हो जाती है, कभी बाइक की चाबी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पाठक जी। जी आपका चेक। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, केस तो अभी भी फर्स्ट ईयरिंग की फीस। थैंक यू। बाइक की चाबी नहीं मिली। मुझे मिल गया। क्या हुआ सर, संजना जी ने कम पैसों का चेक बनाया? नहीं, पैसे तो ठीक दिए हैं, साथ ही साथ एक संकेत भी दिया है। हाँ, इस डायरी में मेरी जो लिखावट है और इस चेक पर, चेक के लिफाफे पर जो लिखावट है संजना जी की, वो उसी स्याही से लिखी गई है, उसी कलम से, जो स्याही का उपयोग मैं करता हूँ, सेंटेड फ्लोरिडा। सर और आपका पेन तो ऑफिस से गायब हो गया था। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि वो कलम संजना जी ने गायब की थी। दिन अदालत में तू संजना जी के बगल में ही बैठा था जब तेरी बाइक की चाबियां लापता हो गई। हाँ सर, मेरे बगल में बैठी। इसका मतलब एक काम कर, इसके पीछे चक्कर क्या है ये पता लगाने के लिए तुझे संजना के घर जाना पड़ेगा एक बार। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार सौरभ की झूठ से जुड़ा हुआ है। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे नहीं पता राजेश ने मीरा से मेरा नंबर क्यों लिया, क्या काम होगा उसे मुझसे। और मुझे नहीं लगता कि राजेश ने सौरभ को कोई कॉल किया है, क्योंकि अगर ऐसा कोई फोन उनके पास आया होता तो वो मुझे जरूर बताते, पर सौरभ ने मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। मैं कह रही हूँ ना, ये सारी प्लानिंग उस मिनिस्टर की है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सच जो भी है बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। अब संजना जी, आपके घर में शक्कर और चाय पत्ती तो होगी? Of course. If you don't mind, क्या मुझे चाय मिल सकती? Sure. Thank you.
क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी। मेरी वाइफ एक क्लेप्टोमेनियक है। उसे छोटी मोटी चीजें चोरी करने की आदत है, लेकिन ये सब वो लालच के लिए नहीं करती है। पता नहीं, एक तरह की तलब है। सौरभ, तुम्हारी पसंद के खीर बनाएंगे। ये चम्मच? ऐसा चम्मच तो हमारे घर नहीं है ना? उस रात जब हम डिनर करने गए थे क्लासिक होटल में, वहां देखा था मैंने ये चम्मच। चम्मच चुराया ना संजना? डैमेट संजना, कब तुम अपनी आदतों से बाहर आओगी? कब जाएगी तुम्हारी ये चोरी करने की बीमारी यार? सॉरी, I'm really sorry. मुझे भी नहीं पता मैं ऐसा कैसे कर बैठती हूँ। जानती हूँ ये गलत है, चोरी है, पर पता नहीं मेरे हाथ क्यों। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस आदत की वजह से ना। सॉरी सौरभ, मुझे नहीं पता मुझसे ऐसी गलती क्यों हो जाती है। एक साल से मैं साइकिल उसके पास जा रही हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से कितनी बार एम्बैरेस हो चुके हो। शायद कोई और होता तो मुझे छोड़ चुका होता अब तक। अगर किसी को पता चला ना सौरभ, तो मैं मर जाऊंगी। मैं शर्म के मारे मर जाऊंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो संजना? जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ओके? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। रिलैक्स, मैंने संजना से वादा किया था कि उसकी कड़वी सच्चाई मैं दुनिया के सामने कभी नहीं आने दूंगा, उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और इसीलिए मैंने अदालत में और आपसे झूठ कहा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसका राजेश की हत्या के केस के साथ क्या लेना देना है, ये नहीं समझ रहा हूँ। जी, मैं आपको बताऊंगा मिस्टर पाठक, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी बीवी की चोरी करने की आदत के बारे में किसी को मत बताइएगा, प्लीज मिस्टर पाठक। पहले सच बताओ, मुझे अपना काम करना है। अब बोलो सत्य क्या है। डॉक्टर, प्लीज मेरी हेल्प कर लीजिए। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, मगर आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं कहाँ भटकती फिरूंगी, प्लीज डॉक्टर। देखिए, हमारी क्लिनिक में ये सब नहीं होता है और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। Sorry if I'm disturbing you. Not at all. Have a seat, please. Thank you, sir. Tell me. Boss, वो सौरभ का कुछ पता नहीं क्या होगा, खांसी या फिर उम्र के, पर हमें तो 100% अपने शो के बारे में सोचना होगा, और खासकर 9 बजे की न्यूज डिबेट जिसके इतने सारे व्यूअर्स हैं, उसके लिए तो नया होस्ट तो डिसाइड करना होगा। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो मैंग? होस्ट हमारे सामने है। सी मैंग, 9 o'clock का जो डिबेट शो है वो अब से रूपल होस्ट करेगी। ओह माय गॉड, कांग्रेट्स रूपल। थैंक यू मिस्टर देसाई। प्लेजर, कांग्रेट्स। थैंक यू। हेलो, अच्छा जीवन बीमा वाले बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। जी जी जी, राजेश का सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे से और कोई नहीं है उसका। हाँ, तो कब आ रहे हो आप लोग बीमा का पैसा लेकर? हाँ
हाँ थोड़ा जल्दी आना प्लीज। हाँ जियो भाई, तू ऊपर गया तो गया लेकिन नीचे मुझे सेट कर गया। तू चिंता मत कर, तेरा श्राद्ध मैं बड़े धूमधाम से रीति रिवाज से करूंगा ताकि तेरी आत्मा भी कहीं सेट हो जाए। मजा आ गया। योर ऑनर, इस मुकदमे को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ वस्तुएं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। ये मेरी कलम और ये मेरे सहायक की खोई हुई बाइक की चाबियां। मिस्टर पाठक प्लीज प्लीज आप कुछ मत बोलिए। मुझे बोलने दीजिए सौरभ जी। सच को छिपाकर कभी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ और मैं यहाँ आपके आपके पत्नी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, केवल सत्य को बाहर लाना चाहता। ट्रस्ट मी। योर ऑनर, वास्तविकता में इनकी पत्नी संजना जी को एक बीमारी है, क्लेप्टोमेनिया। उन्हें वस्तुएं चुराना तो नहीं कह सकते, योर ऑनर, उठाने की बीमारी है अपना समझकर। और योर ऑनर, ये योर ऑनर, डॉक्टर मेहुल शुक्ला का ये प्रिस्क्रिप्शन जहां से संजना जी चिकित्सा करवा रही थी, इस बात का प्रमाण है। आपके प्रमाण का मुझे सम्मान है पाठक साहब, लेकिन इनकी जो निजी बीमारी है उसका हवाला देके आप केस को भटकाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इस केस का प्रारंभ इस बीमारी के कारण ही हुआ था मिस्टर जैसवाल। संभवतः आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ये केस उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन संजना जी शॉप एंड कैफे में गई थी, वहाँ वाउचर भरा था उन्होंने, एग्रीमेंट, वहां से उन्होंने ये इत्र की बोतल चुरा कर अपने बैग में रखी। और संजना जी की ये चोरी राजेश चक्रधर ने पकड़ ली जो समय सुरक्षा कक्ष में ड्यूटी पर। इस घटना के पश्चात योर ऑनर, जैसा कि मीरा जी ने अपने कथन में कहा, राजेश जी ने उनके मेंबरशिप फॉर्म पे से नंबर लिया, उन्हें फोन किया, लेकिन चूंकि वो नंबर सौरभ जी का था, घंटी इनके फोन पर बजी। हेलो, कैसे हैं सर जी आप? मिलना था आपसे। कौन तुम? क्या काम है? काम तो आपका है सर, मेरा नहीं है। मेरा काम? अरे एक बार सर आप मिल तो लो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखानी आपको। अरे सर ज्यादा सोचिए मत, अगर मुझसे नहीं मिलेंगे ना तो बहुत पछताओगे। बस ये समझो सर, लाइफ स्टिंग ऑपरेशन। जल्दी बताइए कहाँ मिलूं? बिटवीन द ऑफिस। इसके बाद राजेश सौरभ से मिलने इनके ऑफिस पहुंचे। बाय गॉड, बहुत बड़ा फैन हूं आपका मैं, रोज टीवी पे देखता हूँ। क्या बोलते हैं आप, बड़ा मजा आता है सर। बोलो, कैस्टिंग ऑपरेशन दिखाना चाहते हो, लेकिन एक बात का याद रखना, अक्सर हमारे पास लोग नकली टेप्स लेकर आ जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, सो बी केयरफुल। नकली कुछ नहीं है, सब कुछ असली है, लेकिन बैठ कर दिखाऊंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। हैव अ सीट। आपके लैपटॉप में सीडी चलता है? जी हाँ। ये जरा चलाइए। लेकिन क्या है इसमें? अरे सर सब कुछ बता दूंगा तो देखने में क्या मजा आएगा, आप खुद ही देख लीजिए। लाइव स्टिंग ऑपरेशन। गहना जर्नलिस्ट बाबू, अभी एक ईमानदार शरीफ आदमी की औरत ऐसी ऊंची हरकत करेगी तो झटका तो लगेगा ही, वो भी 1000 वोल्ट का। अरे खैर छोड़िए, इन सब चीजों से मुझे क्या लेना देना, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आप एक होनहार रिपोर्टर है, तो सिर्फ 10 लाख।
10 लाख 2 दिन के अंदर दे जाना और ये सीढ़ी ले जाना, ठीक है? मीने, तू मुझे ब्लैकमेल करेगा? रुक रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे ना ना ना, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? फिर तो ना ये स्टिंग सिर्फ तुम्हारे चैनल पर नहीं, देश के सारे चैनल पर चलेगा। कितनी बदनामी होगी तुम्हारी, है ना? अच्छा लगेगा, लोग क्या कहेंगे कि एक बहुत बड़े मीडिया रिपोर्टर की बीवी छोटे मोटे दुकान से परफ्यूम चुराती है। अच्छी बात नहीं है ना, ये जो परफ्यूम की खुशबू है ना, तुम्हारे करियर को पूरा सड़ा देगी। और जो पूरा दिन तुम ये नेता मंत्रियों की ये सब जो खिंचाई पिटाई करते रहते हो ना न्यूज़ पे, वो सब तो तुम्हारी बैंड ही बजा देंगे। सिर्फ 10 लाख का सवाल है, 10 लाख का। जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, रिवर्स गियर मार के यहाँ से चला जाऊंगा और सीधा जाऊंगा मंत्री जी तिवारी जी के पास जाऊंगा। वो वैसे भी आप पे घात खाए हुए, वो तो ये सीढ़ी 20 लाख में लेने को भी तैयार हो जाएगा। सोच लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, 10 लाख या फिर करियर पे लात। योर ऑनर, सौरभ जी को अपने व्यवसाय से अधिक अपनी पत्नी की चिंता थी, इसीलिए राजेश जी के ब्लैकमेलिंग के आगे इन्होंने अपने घुटने टेक दिए और 10 लाख रुपए देने को राजी हो गए। पैसे जोड़ने में इन्हें 3 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, जो रकम इन्होंने रूपल जी से उधार ली। कहानी बता दी है तो क्लाइमेक्स भी बता दीजिए ना प्लीज, शायद आप थक गए हो। मैं बता दे, तुम सीनियर है यहाँ। योर ऑनर, अब तक हमें ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर सौरभ जी ने राजेश जी का खून किया क्यों, लेकिन अब तो वो भी पता चल गया, मोटिव ऑफ मर्डर क्लियर हो गया। योर ऑनर, मैंने किसी की हत्या नहीं किया। योर ऑनर, मैं तो राजेश को 10 लाख रुपए दे के सीढ़ी हासिल करने गया था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही राजेश मर चुका था। झूठ बोल रहे हैं आप, खून मुन कुछ हुआ नहीं, ना खून आपने किया है, खूनी और कोई नहीं, आप ही है, क्योंकि आपकी गाड़ी के ग्लव बॉक्स से ही गन मिला है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, किसी की गाड़ी से हत्या का औजार मिलने से कोई हत्यारा प्रमाणित नहीं हो जाता। अच्छा, तो पाठक साहब, आपका ये जो क्लाइंट है वो अगर फिरौती की रकम देने गया था तो अपनी गाड़ी में गन लेके क्यों घूम रहा था, वो भी मर्डर वेपन क्यों? वो मैं आपको बताता हूँ योर ऑनर, वो गन मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखी थी, क्योंकि एक इंटरव्यू के बाद मुझे धमकी भरे कॉल आने लगे थे। हेलो सौरभ आचार्य, तूने तिवारी भैया जी से पंगा लेके अच्छा नहीं किया है, और चर्बी चढ़ गई है ना तुझे। कौन बोल रहा है? वो जानकर तू क्या करेगा? बस इतना जान ले, तूने जो भैया जी को अपमानित किया है उसकी कीमत चुकानी होगी तुझे, वो भी सूद समेत तुझसे बदला लेंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। और सिर्फ एक बार नहीं, 2-3 बार मुझे वो धमकी भरे कॉल्स आए। नॉर्मली मैं इन कॉल से घबराता नहीं हूँ, लेकिन जब मेरी बॉस से मेरी बात हुई तो क्या करूँ मिस्टर देसाई, चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाऊं। ऐसा मैंने कहा सौरभ, लेकिन तुम मैं इस गन का क्या करूंगा मिस्टर देसाई? क्या करूंगा मतलब अपनी हिफाजत करोगे सौरभ? तुम्हें थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, तुम पर हमला भी हो सकता है, और वैसे भी तुम लेट नाइट घर जाते हो। प्लीज कीप इट। थैंक्स। और उसके बाद मैंने गन को कार के ग्लव बॉक्स में रख दिया, क्योंकि मैं जानता था कि घर के अंदर और ऑफिस के अंदर मुझे कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे खतरा है पता है? क्या आपने गन राजेश से जब मिलने गए तब गन आपने डैशबोर्ड यानी कि ग्लव बॉक्स में रखी थी, सही? जी। और उसके बाद आप गाड़ी से उतरकर चल के गए राजेश से मिलने के लिए? तो मेरे हाथ में गन नहीं थी,
सिर्फ बैग मेरे हाथ में था। गन नहीं थी, बैग ही था ना जी। चलो मान लेते हैं ना आपकी बात, मान लेते, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब निकले तब आप गाड़ी तो आपने लॉक की होगी, वो रिमोट कंट्रोल आता है ना, चिंचू चिंचू। और जब आप गाड़ी लॉक करके चल के राजेश तक पहुंचे तो वो दूरी कितनी थी? तकरीबन 2-2.5 मिनट लगे थे मुझे वहां पहुंचने में। सही सही, परफेक्ट। और जब आप वहां तक पहुंचे राजेश तक, तब वो ऑलरेडी मरा हुआ था? जी हाँ। यहाँ पे आप गलत, खूनी सिर्फ आप ही, आपके अलावा कोई खून कर ही नहीं सकता। योर ऑनर, लॉजिक वाली बात है कि अगर खूनी कोई और होता जैसा कि ये कह रहे हैं, तो जब ये गाड़ी लॉक करके चल के जा रहे थे राजेश तक पहुंच रहे थे, तो अगर खूनी कोई और होता तो वो खूनी इनके जाने के बाद गाड़ी तक पहुंचा होता, इनकी गाड़ी तक, शीशा लॉक तोड़ा होता, ग्लव बॉक्स खोला होता, गन निकाली होती, और ये अगर राजेश तक पहुंचते उससे पहले खुद पहुंच गया होता, गोली चला दी होती, हत्या कर दी होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जब तक सबसे पहले तो ये जनाब वहां पे पहुंच चुके थे योर ऑनर, और अपना काम तमाम कर चुके थे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे तो फिर सिर्फ दो मिनट के अंदर कैसे आप वहां पे पहुंचे? उससे पहले क्या कोई भूत आया जो उड़ता उड़ता आया, आपकी गाड़ी का शीशा खोला, ग्लव बॉक्स खोला, गन निकाली, उड़ता उड़ता वापस गया और फिर गोली भी चला दी, ऐसा हुआ था क्या? है देखिए मेरी, क्या देखूं मैं? आप नहीं देख सके थे कि कौन था वो बंदा जिसने गोली चलाई? अरे देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, इनविजिबल भूत था। लेकिन क्या गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी आपने? हाँ, अरे झूठ बोल रहे हैं, कितना उल्लू बनाएंगे आप सबको, कितनी झूठी कहानी बनाएंगे। मैं मानता हूँ कि गन कार के ग्लव बॉक्स में थी, मगर मुझे नहीं पता उस गन से खून कैसे हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है वो खून कैसे हुआ। योर ऑनर, बहुत सिंपल सी बात है, राजेश ने इनको धमकाया, ब्लैकमेल किया कि वो अगर सीढ़ी चाहिए तो 10 लाख रुपए दे। इनको गुस्सा है? गुस्सा तो आना ही चाहिए। आया था कि नहीं गुस्सा? आया था, आया था, नहीं आया था? चुप है, इसका मतलब कि गुस्सा आया था। लेकिन अपनी जो पत्नी थी उसकी बीमारी को छुपाने के लिए वो वहां तक गए, राजेश को पैसे देने के लिए गए, लेकिन इनके अंदर का जो गुस्सा था उसको वो झुका नहीं पाए योर ऑनर, और राजेश चक्रधर को मार दिया। एंड ऑफ केस, आप फैसला सुना दीजिए योर ऑनर। हैरानी वाली है, भयंकर और तिवारी के बीच में क्या नाता हो सकता है? कुछ समय पहले एक राष्ट्रीय चैनल पर तिवारी ने सौरभ को जान से मार देने की धमकी दी थी। क्या लगता है तुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मयंक की सहायता लेकर तिवारी ने यह खेल रचा हो? सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सर एक और बात, सौरभ की जगह उनके बॉस सिद्धार्थ ने रूपल को प्रमोट किया, अब उनके चैनल की लीडिंग रिपोर्टर रूपल है। हाँ माँ, बहुत बड़ा ब्रेक मिला है मुझे, अब आप देखना मैं पापा का नाम कैसे रोशन करती हूँ। बस एक बार, एक मिनट मामा, दरवाजे पे कोई है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ठीक है।
तोहफा मिला मेरा। कौन हो तुम? जानकर क्या करोगी? बस 25 लाख रुपए लेकर रात के 10 बजे जोगस पार्क के पीछे वाले कोस्टा विला आ जाना, वरना ये सीढ़ी। कौन हो तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ये सीढ़ी तो राजेश के पास थी और वो तो मर चुका है। पर धंधा आज भी जिंदा है, टाइम पे आ जाना पैसे लेकर, नहीं तो तुम्हारे गलत काम की ये सीढ़ी सही हाथों तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सौरभ के इस कांड से, आरोप लगने से सबसे अधिक लाभ रूपल का हुआ है। और रूपल ने तुरंत उसे 3 लाख रुपए भी उधार दे दिए थे। ये क्या चक्कर है? समझ में नहीं आ रहा है। एक हाथ पे रूपल, दूसरे हाथ पे तिवारी और मयंक। केस तो उलझता ही जा रहा है। खेल तो अब शुरू हुआ है, न्यू गेम। हेलो, एक बुरी खबर है। वो सीडी किसी और के हाथ लग गई है, एक नया ब्लैकमेलर। मिस्टर देसाई, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है राइट नाउ। कॉल यू बैक। कैसी हो मैडम? कौन? हर कोई मुझसे यही सवाल करता है और मैं सबको एक ही जवाब देता हूँ। नाम जानकर क्या करोगी मैडम, काम सुनो। वैसे तो आपकी चोरी के किस्से अदालत तक पहुँच चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने नहीं। कौन हो तुम? पूरी दुनिया देखेगी आपकी करतूत और आप बन जाओगी इंटरनेशनल चोरनी। नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर सकते। और वो वीडियो तो राजेश के पास था ना, राजेश तो मर चुका है, तो तुम कौन हो? फिर वही बेकार की बात। अरे कौन जिंदा है कौन मर गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है मैडम। इम्पोर्टेंट ये है कि आज रात 15 लाख रुपए लेकर जोगस पार्क के पीछे वाले कोस्टा विला आ जाना, नहीं तो कल सुबह तक पूरी दुनिया के सामने आपकी चोरी के किस्से मशहूर हो जाएंगे। नया ब्लैकमेलर पीसीओ से फोन कर रहा था। कॉल ट्रेस हुआ क्या? फोन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम निश्चिंत रहो संजना, हो सकता है कोई यूं ही तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। एक बात तो निश्चित है कि जो भी है ये व्यक्ति कोई इस केस से जुड़ा हुआ है, इस केस के हर पहलू को जानता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो सीडी उसके पास है या नहीं। तो बुलाया है तो मिलने तो जाना पड़ेगा, जाएगा वरुण? यस सर। मुझे पता नहीं है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया चल निकल। और आज के बाद इस घर के आस पास नजर भी नहीं आना। सामान तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, चल। पैसे कहाँ? रो मैडम पैसे। सॉल्व हुआ है? नहीं,
दूसरी लाश गिर गई। लेकिन इंस्पेक्टर यादव, ये तो तय हो गया कि सौरभ आचार्य कातिल नहीं है, कोई और है। ये वाइन शॉप की पर्ची मिली। सनशाइन वाइन शॉप। हलदार जी सर, पता करो ये पर्ची किसकी है, किसने वहां से शराब खरीदी है। अरे यार क्या हुआ वहां? एक्सक्यूज मी शेफाली, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला ऑफिस में मुझे मत फोन क्या करो। अरे तुम जानती हो ना, आई लव यू यार। ओके बाय। आप अभी तक गई नहीं? जब तक मुझे ब्लैकमेलर का पता नहीं चलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। वरुण क्या हुआ वहां पर? वो वरुण शरीफ का क्या सुन रहा हूँ, रूपल की हत्या हो गई क्या? हाँ सर, मैं जब कॉस्टेबिला पहुंचा तो थैंक गॉड मैं घर नहीं गई, उस ब्लैकमेलर ने उसे मारा होगा। देखिए संजना जी, आप निश्चिंत रहिए, किसने किसको मारा ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। आप जाइए, घर जाइए, और अगर आपको किसी ब्लैकमेलर का या कोई धमकी वाला फोन आता है तो मुझे सूचित कीजिए। जाइए आप। वरुण क्या हुआ, क्या तू गया क्या? हाँ कुछ मिला सर? एक वाइन शॉप की पर्ची मिली थी, मैंने इंस्पेक्टर यादव को दे दी, और फिर जब मैं सब, मुझे तो लगता है कि रूपल का मर्डर करके कातिल या फिर ब्लैकमेलर जो भी था वो मौका वारदात से जब भाग रहा था तब उसके हाथ से या जेब से वो सीडी गिर गई होगी। कहाँ है वो सीडी, दे मुझे। सर मेरे बैग में। सब सर वो सीडी मैंने डायरी के बीच में रखी थी और वो डायरी इस बैग में थी, पता नहीं डायरी कहाँ गायब हो गई। डायरी गायब नहीं हुई है, डायरी गायब कर दी गई है, और गायब करने वाली अभी अभी कुछ समय पहले वहीं बैठी थी जहाँ तू बैठा है। क्लेप्टोमेनिया। कौन? गुड मॉर्निंग संजना जी। सॉरी सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली देखिए बुरा मत मानिए, कल रात आप केडी सर के ऑफिस आई थी, कहीं गलती से आप मेरी डायरी नहीं, आई मीन अनजाने में यूसी, देखिए उस डायरी में ना एक बहुत इम्पोर्टेंट सीडी है। नहीं मिस्टर पाठक के ऑफिस से मैंने कोई डायरी नहीं ली, ट्रस्ट मी। हाँ सावंत, पता किए थे वाइन शॉप का? शाबाश, चलो गाड़ी निकालो। नहीं सर, मां कसम मैं हत्यारा नहीं हूँ, इतना कबूल करता हूँ कि मैं रूपल जी को ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ भाई ब्लैकमेल कर रहे थे, हत्या आपने की, यही सब तो किया आपने। राजेश के साथ पहले से आप उसके धंधे में जुड़े हुए थे। जी नहीं पाठक जी, मैं तो दरअसल राजेश से मिलने जब मैं गोराई बीच पर पहुंचा तो वो मरा हुआ 1000 रुपए कमाने वाला मेरा भाई राजेश अमीर लोगों को ब्लैकमेल करके खुद इतना अमीर बना। मेरे अंदर भी थोड़ी लालच आ गई साहब, जैसा मैंने किसी का खून नहीं किया, और रूपल जी से मिलने जब मैं तय वक्त पर पहुंचा तो मरी पड़ी थी साथ। अभी के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब आप पहुंचते तो लाश वहां पहले से पड़ी होती है? खत्म नहीं हो रहा कुछ मुझे। और ये राजेश जी के मृत्यु के बाद तो उनकी पूरी धन संपत्ति, मकान इत्यादि सबके मालिक आप ही बन बैठे हैं, तो ये है आपके हत्या का मकसद? आपने सोचा रोज अपने भाई से 200-400 रुपए क्या मांगने, एक ही बार में सफाया करके पूरी धन संपत्ति प्राप्त कर? क्यों जी नहीं सर, सर मैंने अमीर बनने का सपना जरूर देखा था,
पर मेरे भाई को मार कर नहीं। सर, राजेश की जिस संपत्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं उस पर मुझसे ज्यादा किसी और की नजर थी। अच्छा, किसी और की? रियली? किसकी किसकी बताइए। कल रात को भी जबरदस्ती घर में घुसकर अपना हक जताने आई थी, वो सामने बैठी है मेरी भाई की प्रेमिका। कौन? मीरा? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, राजेश के घर में अपना कुछ सामान वापस लेने गई थी। अच्छा, कैसा कैसा सामान? वो एक बार मैं राजेश के घर उसके साथ गई थी तो मैं अपना हैंडबैग वहीं पे छोड़कर आ गई थी। कल मैं उसके घर के सामने से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि अपना हैंडबैग वापस लेकर के आ जाती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात पर ये ब्योड़ा इतना भड़क गया और इतना बड़ा बवाल मचा दिया इसने। सर, मुझे लगता है ना कि राजेश का खून इसी ने किया है, ताकि राजेश की सारी प्रॉपर्टी का अकेला हिस्सेदार बन जाएगी। अब जानती है मीरा जी, मेरे सहायक वरुण के द्वारा ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है जिसके कारण एक नया उद्देश्य सामने आया है राजेश जी की हत्या का। आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मीरा जी कुछ समय पहले ही एक डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास गई थी? नहीं, डॉक्टर विमला अवस्थी। ऑनर, इस केस में डॉक्टर का क्या लेने दे? जसवाल साहब, लेना देना ये है कि डॉक्टर विमला अवस्थी एक गायनाकोलॉजिस्ट है। मीरा जी उनके पास गर्भपात कराने गई थी, तो हुआ ये कि आप डॉक्टर विमला अवस्थी के पास, जो एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास गई गर्भपात कराने, जिसका ये अर्थ होता है कि आपके पेट में बच्चा था। आपके अपने कथन के अनुसार आपके और राजेश के बड़े नजदीकी संबंध थे, तो स्पष्ट रूप से जो बच्चा आपके पेट में था वो राजेश का ही होगा संभवतः। और जब आपने राजेश से ये बात कही और विवाह करने का दबाव डाला तो प्राय जैसे होता है राजेश ने इनकार कर दिया होगा। नहीं कर सकता इस वक्त शादी में। तो मैं इस बच्चे का क्या करूं राजेश? गिरा दो। गिराऊंगी, सिर्फ तुम्हारे पाप को नहीं, इस बच्चे के बाप को भी। लेकिन मैंने राजेश का खून नहीं किया है। मैं मानता हूँ आपकी बात को मीरा जी, और पाठक साहब प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए कि राजेश की जो हत्या हुई है वो सौरभ की गन से ही हुई है। मानते हैं ना आप मेरी बात? जहाँ तक योर ऑनर मीरा का पहुँचना नामुमकिन है, तो साफ है बात कि राजेश चक्रधर का खून सिर्फ और सिर्फ सौरभ आचार्य ने ही किया है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय का बस चले तो ये रूपल जी की हत्या भी मेरे मुक्किल के सर मण दे। इनके पास कोई तथ्य नहीं है ये साबित करने का कि जेल में से सलाखों के पीछे से मेरे मुवक्किल अचानक मिस्टर इंडिया बनकर उझल हो गए और रूपल की हत्या करने के पश्चात पुनः वापस लॉकअप में लौट आए। मैं मानता हूँ ना आपकी बात, मैं मानता हूँ रूपल का खून किसी और ने किया है, किसी और मकसद से किया है, और वो क्या है वो अभी साबित करूँ। लेकिन योर ऑनर, उसके लिए मुझे अशोक चक्रधर को यहाँ कटघरे में एक बार फिर बुलाना होगा। अशोक चक्रधर जी, आपने ये तो बता दिया अदालत में कि आप रूपल जी को ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि क्यों ब्लैकमेल। खैर, आपकी गलती नहीं है, शायद पाठक साहब आपने पूछा नहीं कि कोई बात नहीं, मैं पूछ लूँ। बताइए क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे आप रूपल जी को? वो सर, एक्चुअली राजेश भाई की जेब से मुझे जो सीडी मिली थी उसमें रूपल जी का एक वीडियो था, बंद कमरे की ऐसी तस्वीरें जिसके बारे में बताते हुए मुझे शर्म आ रही है सर। पर ये जो है ना सौरभ आचार्य, ये आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं सर। क्यों, वो क्यों बता सकते हैं? क्योंकि उस सीडी में रूपल जी के साथ कोई और नहीं बल्कि यही थे। क्या क्या नाम से आप इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? मैं और रूपल के साथ, वो भी बंद कमरे में? अब सर, मैंने वीडियो में जो देखा सर वो ही बोल रहा हूँ, एकदम एडल्ट सीन। अरे जयसवाल साहब, ये आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आप तो जानते हैं कि केवल कथन देने से कुछ नहीं होता, साथ में प्रमाण भी होना चाहिए। ये आपने पूछा नहीं अपने गवाह से कि वो सीडी कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, कहाँ है वो सीडी? सर, वो सीडी एक्चुअली खो गई सर। खो गई? सर, रूपल जी का लाश देखकर जैसे ही मैं हक्का वक्का वहां से भागा तो वो रास्ते में कहीं मेरे पॉकेट से गिर गई। सीडी गिर गई। अब जब तक वो सीडी मिल नहीं जाती, इस बात का प्रमाण नहीं मिल जाता कि ये जो कह रहे हैं वो सच है, तब तक इनकी बात को सच नहीं माना जा सकता। अशोक झूठ क्यों बोलेगा पाठक साहब? कोई कारण नहीं है।
इल्जाम लगाने का सौरभ आचार्य पे योर ऑनर, पर ये जो बातचीत हो रही है उसमें असली कारण जो है खून का वो सामने आ गया, असली मकसद, द मोटिव ऑफ मर्डर। अब तक तो हमको ऐसा लगता था कि राजेश चक्रधर ने इनकी पत्नी को चोरी करते हुए देख लिया था, वो परफ्यूम की बॉटल स्टोर से, इसलिए ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन हकीकत वो नहीं है योर ऑनर, हकीकत तो ये है इनके जो नाजायज संबंध अफेयर चल रहा था रूपल के साथ, उसके बारे में राजेश चक्रधर को पता चल गया था, इसलिए वो ब्लैकमेल कर रहे थे। वो मोटी रकम मांगी होगी, 10 लाख शायद। गुस्सा आ रहा है अभी, देखो जैसा गुस्सा आ रहा है उस वक्त और भी गुस्सा आया होगा, और इस गुस्से की वजह से मौत की नींद सुला दी राजेश चक्रधर को। और योर ऑनर, जहाँ तक इनके जो संबंध थे रूपल जी का, उनके दोनों के नाजायज संबंध का सवाल है, तो मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, जिस न्यूज चैनल में दोनों काम करते थे उस न्यूज चैनल के कुछ कलीग्स भी आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, खबरदार न्यूज चैनल के ओनर सिद्धार्थ देसाई जी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है और कोई गर्मा गर्म खबर देना चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। योर ऑनर, अगर आपकी परमिशन हो तो यहाँ बुलाओ। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, सौरभ और रूपल मेरी चैनल के बड़े होनहार रिपोर्टर थे, लेकिन अब काम के अलावा उनके बीच में क्या रिलेशन थे मुझे नहीं पता, ना तो कभी मैंने उसकी जासूसी की है। लेकिन जब भी सौरभ की कैबिन में जाओ, अधिकतर वहाँ पर रूपल भी होती थी। मैंने आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बॉस। एनीवेज, इतनी रात हो गई, आप लोगों को घर नहीं जाना क्या? जाएंगे बॉस, लेकिन काम खत्म होने के बाद। ओके, टेक केयर। रात रात भर वो लोग चैनल में रुकते भी थे, लेकिन क्या काम करते थे मुझे नहीं पता। मिस्टर देसाई, आप मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? मेरा और रूपल का सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था। रात भर जग के मैं चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। सौरभ, ये बात मैं ऑलरेडी अदालत में बता चुका हूँ, और तुम्हारी काबिलियत पे मुझे कभी भी कोई शक नहीं था, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, राइट? लेकिन योर ऑनर, जब मैंने रूपल को सौरभ की जगह पे प्रमोट किया, तो मैंक ये काफी मुझसे खफा थे, यहां तक कि मेरी कैबिन में भी आए और मुझसे झगड़ने लगे। मिस्टर देसाई, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है राइट नाउ। कॉल यू बैक। इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? लेकिन तो क्या करूं, आपके चैनल का सबसे पुराना रिपोर्टर हूं मैं। सोचा था सौरभ के मर्डर केस में फंसने के बाद मेरे गोल्डन चांस था, पर नहीं, वो चांस आपने रूपल को दिया, जो एक वक्त मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी, उसे सीधा मेरा सीनियर बना दिया। ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा मिस्टर देसाई। जिस तरह सौरभ की करियर क्या लाइफ बर्बाद हुई है ना, उसी तरह मैं रूपल की लाइफ भी बर्बाद करके रहूंगा। ऐसा मजा चकाऊंगा उसे कि इस जन्म क्या अगले जन्म तक याद रखेगी। रूपल जी को मजा चखाने वाले भद्र पुरुष आप ही हैं महक जी। नहीं मिस्टर बॉट, उस वक्त मैं काफी गुस्से में था, इसलिए ऐसा बोल गया, मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था। अगर आपके सामने आपके जूनियर को प्रमोशन मिल जाए और आप वहीं के वहीं चिपके रहे, तो थोड़ा तो बुरा लगता। पर थैंक गॉड, मिस्टर देसाई को रेजिग्नेशन सौंपते ही मुझे एक ओवरसीज चैनल में चीफ न्यूज रिपोर्टर का जॉब मिल गया। मुझसे भूल नहीं हो रही, तो ये वही सिंगापुर वाली चैनल है जिसमें मंत्री तिवारी जी के साले साहब की भागीदारी है। अब सीधा मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या किया आपने मंत्री तिवारी साहब को प्रसन्न करने के लिए, जिसके कारण उन्होंने आपको वहाँ सिंगापुर वाले चैनल में चीफ रिपोर्टर की नौकरी दे के प्रसन्न किया। आपकी तो बोलती बंद हो गई, मंत्री जी से पूछता हूँ। तिवारी साहब, मयंक को कब से जानते हैं? अब इतना कहाँ याद रहता है, कितने जर्नलिस्ट मिलते रहते हैं, मयंक ने कभी मिला होगा? हाँ, क्योंकि पहले कभी आपको उसके साथ नहीं देखा। तो आजकल बड़ी घोर साठगांठ चल रही है आप दोनों के बीच। मेरे सहायक ने आप दोनों को आपकी गाड़ी में एक साथ देखा, और आपने अपने साले साहब के चैनल में बड़ा ऊंचा पद दिलाया है मयंक को। तो क्या क्या कारण है, क्यों इतने दयालु बन रहे हैं आप मयंक पर? इस केस का इससे क्या लेना देना है? ये क्या वाहिया सवाल है जज साहब? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल उचित प्रश्न किया है मैंने तिवारी जी। योर ऑनर, पिछले महीने ही एक राष्ट्रीय चैनल पर तिवारी साहब ने सौरभ आचार्य से प्रतिशोध लेने की बात की। उसके दो दिन बाद ही
राजेश की हत्या हो। पूरी तरह से संभव है योर ऑनर कि ये पूरी योजना तिवारी साहब ने रची हो। मयंक की सहायता लेकर मयंक से पहले सौरभ जी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की हो और फिर एक षड्यंत्र के तहत इनकी गाड़ी से गन निकाल कर। ये क्या बकवास है पाठक जी? एक तो मुझ जैसे वरिष्ठ मंत्री को यहाँ कटघरे पे खड़ा किया यही बहुत है, ऊपर से आप मुझ पर गिनोना इल्जाम लगा रहे हो। होश में तो हो आप? हाँ मैं तो होश में हूँ मंत्री महोदय, लेकिन आप आक्रोश में हैं और इसी आक्रोश के चलते आपने राजेश की हत्या की। और जब रूपल को आपके और मयंक के इस मिलीभगत के बारे में पता चला तो आपने रूपल को भी मरवा दिया और मयंक ने इस योजना में आपका साथ दिया, इसीलिए आपने अपने साले साहब की चैनल में उसे इतने उच्च पद पर नियुक्त किया, किया या नहीं? कैरी पाठक, तुझे अंदाजा नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है। दिल्ली तक पहुंचे मेरी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है ना, तुझे तेरी औकात दिखा कर ही रहूंगा मैं। तेरा वकालतनामा रद्द नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी सदानंद तिवारी नहीं। योर ऑनर, मिस्टर तिवारी आप प्लीज शांत हो जाइए। जनता के प्रतिनिधि होकर इस तरह का अभद्र व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। यह अदालत तब तक किसी को भी गुनहगार नहीं मानती जब तक आरोप पूरी तरह साबित नहीं हो जाता। यह अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। 2 ही दिन बचे हैं वरुण, और इन 2 दिनों में हमें बहुत कुछ पता लगाना है। वैसे इस समय मेरा संदेह सिमट कर 2 लोगों पर आ गया है, अशोक और तिवारी। सर मयंक भी तो है। नहीं वरुण, मेरा अनुमान में मयंक केवल एक कठपुतली है जिसकी डोर तिवारी जी के हाथों में। वैसे जो अशोक ने खुलासा किया है नया, मुझे गहरी सोच में डाल दिया है। नहीं, वास्तव में रूपल और सौरभ के बीच कोई आपत्तिजनक संबंध तो नहीं था जिसके कारण पहले राजेश सौरभ को ब्लैकमेल कर रहा था और फिर अशोक रूपल को? सर अगर सौरभ हमसे एक बार झूठ बोल सकता है तो 2 बार क्यों नहीं? काश वो सीढ़ी गुम नहीं हुई होती तो आज इस राज से पर्दा उठ चुका होता कि अशोक कितना सच बोल रहा है। झूठ बोल रहा है वो। सौरभ मुझे धोखा नहीं दे सकते। उस दिन अदालत में जब उन पर वो गंदा इल्जाम लगाया जा रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वरुण मैंने तुमसे झूठ बोला था। उस रात तुम्हारी डायरी मैंने चुराई थी जिसमें तुमने वो सीडी रखी थी। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि घर जाते वक्त वो बैग मुझसे ऑटो में छूट गया। इतनी मुश्किल से एक सबूत मिला था, उससे मैं अपने हस्बैंड को बेगुनाह साबित कर सकती थी, लेकिन मैंने वो भी खो दिया। आज मेरी चोरी की आदत की वजह से मैंने एक अहम सबूत खो दिया। लानत है मुझे अपने आप पर। ले लीजिए, आज तक मैंने जो भी चुराया है वो सब लाई हूँ। ये सब आप पुलिस पे दे दीजिए और मुझे जो भी सजा मिलेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। लग रहा है कि ये घड़ी मैंने रूपल के हाथ में देखी थी। रूपल की घड़ी है देखी। सेकंड हियरिंग के वक्त मैं रूपल के पास बैठी थी और मैंने उसके बैग से ये वॉच निकाल ली थी। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन प्लीज मिस्टर पाठक,
ये वॉच आप उसके घर वालों तक पहुंचा देना। और प्लीज मेरी तरफ से सॉरी कह देना। वरुण, इस घड़ी के पीछे एस लिखा हुआ है। अगर एस फॉर सौरभ है तब तो घड़ी के सीरियल नंबर से पता लगा कि ये कौन सी दुकान से बिकी थी और इसे किसने खरीदी थी। जी सर। नहीं मिस्टर पाठक, मैं और रूपल सिर्फ एक प्रोफेशनल कलीग थे। हाँ, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि मैं एक खबरदार न्यूज चैनल छोड़कर एक नया न्यूज चैनल ज्वाइन करने वाला हूँ, तो वो मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, क्योंकि वो मुझसे मीडिया की बारीकियां सीखना चाहती थी। वो जानती थी कि मुझसे ज्यादा और कोई भी इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन क्यों छोड़ रहे थे आप खबरदार न्यूज चैनल? सर, एक्चुअली एक राइवल चैनल ने मुझे डबल पैकेज और अपनी कंपनी में पार्टनरशिप ऑफर की थी। अब आप ही बताइए, इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर मैं कैसे छोड़ सकता था? काम तो आपने दिलवा दिया तिवारी जी, पर अब ज्वाइन कैसे करूँ? वो केडी पाठक ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर मेरे बाहर जाने पर रोक लगा दी। अब जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता मैं सिंगापुर नहीं जा सकता। जाएगा बच्चा? तो जरूर जाएगा सिंगापुर, पर ये केडी पाठक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी तो मैंने कानून मंत्री से शिकायत कर दी है, लाइसेंस जब्त होके ही रहेगा उसका। सजा उसी को मिलेगी जिसे हम चाहेंगे, और सजा भी ऐसी वैसी नहीं, सजाए मौत। तुम देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मानना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज। अशोक मरा तो नहीं, लेकिन बहुत बुरी तरह घायल हो गया, कोमा में। प्रश्न ये उठता है कि जानलेवा हमला किसने किया और उससे भी महत्वपूर्ण क्यों किया? पुलिस क्या कहती है इस बारे में? पुलिस का कहना है कि उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मैं आपके लिए बैलिस्टिक रिपोर्ट की कॉपी लेकर आया। ग्लॉक 23 RTF1। ग्लॉक 23 RTF1 नहीं। रूपल मर्डर केस की बैलिस्टिक रिपोर्ट कहाँ है? सर ड्रॉ में। ग्लॉक 23 RTF1। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो कागजात तुम्हारे घर पर ही? हाँ मिस्टर पाठक, जहाँ तक मुझे याद है मैंने उन पेपर्स को बेडरूम के ड्रॉअर में ही रखा था। गुड जॉब। जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही है। मैं इन कागजात को लेकर अदालत जाता हूँ, तो अस्पताल जा, और जैसे ही अशोक को होश आ जाए मुझे फोन करना। जी सर। मेरे हाथ में कुछ बैलिस्टिक रिपोर्ट्स हैं। प्रथम रिपोर्ट उन गोलियों की है जिनके कारण रूपल की हत्या हुई। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वो गोलियां ग्लॉक 23 RTF1 नामक बंदूक से चलाई गई थी। द्वितीय रिपोर्ट योर ऑनर उन गोलियों की है जिससे अशोक पर हमला किया गया। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वो गोलियां भी ग्लॉक 23 RTF1 से चलाई गई। तृतीय रिपोर्ट योर ऑनर उन गोलियों की जिससे राजेश को मारा। फर्क केवल इतना है योर ऑनर कि वो बंदूक ग्लॉक 23 RTF1 का नया प्रतिरूप है, ग्लॉक 23 RTF2। पाठक साहब, क्या नॉलेज है आपके पास गन की? क्या बात करूं? बात करिए ना। क्यों नहीं, तो आप अभी फिलहाल उसकी बात मत कीजिए। क्या लगा रखा है, RTF, BTF, Range 1, Range 2, नया पुराना, क्या है योर ऑनर टाइम वेस्ट? ये सब गन का नॉलेज यहाँ पे अदालत में देके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या रिश्ता क्या है? रिश्ता आपको तब समझ में आता ना जब आप 10 मिनट प्रतीक्षा करते। मैंने कहा ना आपसे, जरा समय दीजिए अपने कार्य को, हो सकता है सफलता प्राप्त। योर ऑनर, इसे और स्पष्ट करने के लिए और प्रमाणित करने के लिए मैं खबरदार न्यूज चैनल के कर्ता धर्ता सिद्धार्थ जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति?
डॉक्टर, डॉक्टर। देसाई साहब, बताइए अदालत को कृपया कि सौरभ को अपनी आत्मरक्षा के लिए वो गन आप ही ने दी थी। गन का मॉडल क्या था देसाई साहब? मॉडल, हाँ, लेकिन वो वही गन थी जो पुलिस को कार में से बरामद हुए थे। जिससे राजेश की हत्या हुई, यानी कि हत्या का औजार बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार ग्लॉक 23 RTF2। राइट। ये बताइए कि जो गन आपने दी थी सौरभ को, उसके साथ में गन के कागजात भी दी थे। हाँ? उन कागजात पर क्यों ऐसा लिखा है कि आपने जो गन सौरभ को दी थी वो ग्लॉक 23 RTF2 नहीं, ग्लॉक 23 RTF1 थी, उससे पुराना मॉडल। यानी कि आपने ये पिस्तौल नहीं दी थी उसे, उसे आपने ग्लॉक 23 RTF1 दिया था। वही मॉडल की गन योर ऑनर, जिससे रूपल पर गोलियां चलाई गई, जिसके कारण रूपल की जान गई। वही गन योर ऑनर जिससे अशोक पर गोलियां चलाई गई, और अशोक इस समय अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? मिस्टर पाठक, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? बहुत बात है देसाई साहब, इतनी सरल सी बात आपको समझ में नहीं आ रही। सिंपल योर ऑनर, जब देसाई साहब ने सौरभ को वो बंदूक दी ही नहीं थी, तो फिर उस बंदूक से सौरभ किसी की हत्या कैसे कर सकता है? प्रश्न यहाँ ये उठता है कि उस बंदूक से हत्या किसने की और उस बंदूक को कब बदला गया? योर ऑनर, स्पष्ट है कि ग्लॉक 23 RTF2 से, यानी कि इस बंदूक से, नए मॉडल से राजेश को मारा गया, और फिर वो बंदूक इनके गाड़ी में पड़ी हुई बंदूक से बदली गई। किसने बदली? देसाई साहब, मेरी जानकारी के अनुसार ये दोनों पिस्टल्स के मालिक आप थे। 2009 में आपने ब्लॉक 23 RTF1 खरीदा, और उसके 4 साल बाद जब उसका नया मॉडल आया RTF2, तब आपने बाजार से वो भी खरीदा। कमाल है मिस्टर पाठक, क्या गन का नया मॉडल खरीदना कोई गुनाह है क्या? नहीं नहीं, लेकिन बंदूकें खरीद कर लोगों की हत्या करना, ये तो दंडनीय अपराध है देसाई साहब। मिस्टर पाठक, डू यू हैव एनी आइडिया? मैं इतनी बड़ी चैनल चलाता हूँ, सोसाइटी में, मीडिया में मेरी एक इमेज है, और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे कत्ल, ये सारे मर्डर्स मैंने किए हैं, और ये सब मर्डर करने के बाद मैं एक ऐसे आदमी को फंसाऊंगा जो 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 मेरी चैनल का इतना बड़ा रिपोर्टर है, नंबर वन रिपोर्टर है, उसी को मैं फंसाऊंगा। नंबर वन रिपोर्टर आपके चैनल का अगर जाकर किसी प्रतिद्वंदी चैनल से जुड़ना चाहे, तब तो गुस्सा तो आएगा आपको, जैसे कि आया, और आपने जो किया वो किया। क्या सौरभ चैनल छोड़ने वाला था? आपको पता नहीं था इस बात का? नहीं, इसने मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, मैंने मिस्टर देसाई को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, मैंने ये बात सिर्फ रूपल से डिस्क्लोज की थी। इसके अलावा भी और कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपने सिर्फ और सिर्फ रूपल के सामने डिस्क्लोज की होगी। I'm sorry to say, मैं नहीं कहता, लेकिन शायद लोग सही कहते हैं, और अशोक ने भी जो सीडी में देखा होगा वो शायद सही होगा। अशोक ने तो बहुत कुछ देखा है देसाई साहब, अपने हत्यारे का चेहरा भी देखा है, बस उसके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। जैसे ही वो होश में आ जाएंगे, असल हत्यारे का चेहरा सामने आ जाएगा। तो इंतजार कीजिए मिस्टर पाठक, कौन मना कर रहा है आपको, इंतजार कीजिए। पर मेरी बाल के खाल निकालने पर आप क्यों तुले हुए हैं? केवल वार्तालाप कर रहा हूँ आपसे, भेंट देने का बड़ा शौक है आपको। कि ऐसे एक बड़ी प्यारी सी, महंगी सी घड़ी है मेरे जेब में। नहीं, अब ये मत कहना कि इस घड़ी को आप नहीं पहचानते। हाँ, मैं बताऊं यार आप? नहीं, ये घड़ी मैंने रूपल को दी थी। अब आप कहेंगे कि मेरा और रूपल का कोई चक्कर था, राइट? प्रश्न पूछने से पहले ही आप भाग गए और आपने उत्तर दे दिया। वाह, क्या बात है। मिस्टर केडी पाठक, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हाँ, मैंने रूपल को ये घड़ी दी थी, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी योर ऑनर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके लिए मैंने उसको ये घड़ी दी थी। मिस्टर पाठक, दैट वॉज अ गिफ्ट। ये तो समय बताएगा। ये बताइए आपकी
इस घड़ी के अतिरिक्त आपने और भी भेंट दिए थे रूपल को, दिए थे? पुलिस ने रूपल के घर से ऐसी कई वस्तुएं बरामद की हैं, कीमती नेकलेस, हीरो से जड़े अंगूठी इत्यादि इत्यादि, और तहकीकात करने पर पुलिस ने ये पता लगाया है कि आप ही ने उनके दाम भरे और आप ही ने भेंट स्वरूप दिए थे उन्हें। मिस्टर पाठक, स्टॉप इट प्लीज। योर ऑनर, मैं शादीशुदा इंसान हूं, अब मिस्टर पाठक इस तरह से मेरे कैरेक्टर पे पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं? और अशोक ने भी जो सीडी देखी है उसमें उसमें सौरभ और रूपल एक साथ साथ। देसाई साहब, वो जो सीडी थी जो अशोक ने देखी थी, वास्तव में उस पर रूपल और सौरभ नहीं, रूपल और आप थे। राजेश आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपसे लाखों रुपए ऐंठ रहा था। सिद्धार्थ बाबू आ गए, क्या बात है। चल अब जल्दी से सीढ़ी निकाल। अरे नहीं सिद्धार्थ बाबू, इतनी जल्दी कैसे दे सकता हूँ? वो सीढ़ी तो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। लेकिन तुम तो कुल मिला के वास्तविकता ये है देसाई साहब कि आप राजेश को पैसे देते देते तंग आ चुके थे, फिर एक दिन अचानक आपने राजेश को अपने ही ऑफिस में सौरभ से मिलते हुए देखा। आप समझ गए कि राजेश सौरभ को भी ब्लैकमेल कर रहा है, तभी आपके मन में ये योजना उत्पन्न हुई। इसी कारण से आपने वो गन सौरभ को दी, इनकी आत्म सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी योजना को, अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए। कमाल है मिस्टर पाठक, आई मीन कैसी योजना? आप जो भी बोल रहे हैं ना, आपको उसे प्रूव करना पड़ेगा। यू नीड टू प्रूव इट, साबित कीजिए। नहीं नहीं नहीं, साबित मैं नहीं करूंगा, साबित तो अशोक करेगा होश में आते। सॉरी टू डिस्टर्ब यू पाठक साहब, ऐसा योर ऑनर किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अशोक को वहाँ पे कुछ हो गया, मतलब वो मर गया, तो आपकी जो थियरी है वो भी, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं योर ऑनर, मेरे सहायक का फोन है, लग रहा है कि वो होश में आ गया होगा अशोक, अगर आपकी अनुमति हो। धन्यवाद। हाँ वरुण बोल। सब बैड न्यूज है, अशोक की डेथ हो गई। सर मुझसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। अच्छा क्या बात है, दैट्स गुड न्यूज वरुण, होश आ गया अशोक को। होश में आते कुछ कुछ बोल पाया, स्टेटमेंट दिया उसने, कथन दिया अपना? सर हाँ मैं समझ रहा हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा, गोली लगी हूँ, तो किसी का नाम तो लिया होगा, किसका नाम लिया? साहब ने ठीक से सुना नहीं, उसकी डेथ हो गई है, होश में कैसे आएगा वो? अच्छा, इंस्पेक्टर साहब से कहो उसका कथन रिकॉर्ड करके तुरंत अदालत में आ जाए। हाँ तो देसाई साहब, सुलझ गई सारी उलझन, अब जैसा कि आपने कहा था थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं, ज्यादा दूर तो है नहीं अस्पताल, इंस्पेक्टर साहब आते ही होंगे, या थोड़ा बहुत समय अदालत का बचाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? राजेश और रूपल दोनों का मर्डर मैंने किया है। अशोक पर भी मैंने ही हमला किया और सौरभ को भी मैंने ही फंसाया। जब मुझे पता चला कि सौरभ राजेश से मिलने जाने वाला है, मुझे किसी भी कीमत पर वो सीढ़ी चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे बोलो, लेकिन मुझे आज के आज ये केस रफा दफा करना है, ठीक है? फिर तो पूरा एक खोखा लगेगा साहब। क्या? और अगर हाँ आज के आज वो सीढ़ी चाहिए तो आज रात 10 बजे गोराई बीच में मिलो। नहीं 10 बजे नहीं, थोड़ा जल्दी मिलो, क्योंकि आज रात 10 बजे मैंने तुम्हारे ऑफिस के एक क्लाइंट को टाइम दिया। ठीक है। करीबन 10:45 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गया। मैं वहाँ पे सिर्फ बंदूक और खाली बैग लेके गया था, क्योंकि पैसे तो मुझे उसे देने नहीं थे। मैंने जाने के साथ ही उस पर अटैक कर दिया। तभी मैंने एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। मुझे पता लग गया कि ये गाड़ी शायद सौरभ की हो सकती है, इसीलिए जाके मैं झाड़ियों में छुप गया। और जैसे ही मौका मिला मैं सौरभ की गाड़ी के पास गया। मैंने सौरभ की गाड़ी खोली और गन एक्सचेंज कर लिया।
सब कुछ मैं जैसा चाह रहा था वैसे ही हो रहा था। एक तीर से मैंने दो शिकार कर दिए थे। जो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था मैंने उसको भी मार डाला था, और सौरभ, हालांकि सौरभ ने मुझे बताया नहीं था कि वो चैनल छोड़ के जाने वाला है, लेकिन मुझे पता लग गया था इसलिए मैंने उसे भी फंसा दिया। सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा था जज साहब, लेकिन तभी उस रूपल का फोन आया। एक बुरी खबर है, वो सीडी किसी और के हाथ लग गई है, एक नया ब्लैकमेलर। रूपल को मैंने बहुत समझाया, अशोक ने जहाँ पर हमें बुलाया था मैं वहाँ पे रूपल को लेके गया। नया ब्लैकमेलर है अभी, लेकिन मुझे किसी से कोई सीक्रेट नहीं छुपानी। मतलब हमारे अफेयर के बारे में तुम्हारी बीवी का क्या रिएक्शन होगा, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तब समझ में नहीं आया जब तुझे प्रमोशन दिया था। मुझे कोई लेना देना नहीं। सुन मेरी बात, अगर मेरी बीवी को पता लग गया ना तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। रूपल का मर्डर करने के बाद मैं वहां से भाग सकता था, लेकिन मैं भागा नहीं क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो ब्लैकमेलर है कौन। पर तभी नकाब पहन के वहां पे अशोक आया, रूपल की लाश देख के वो भागने लगा। अशोक, तू? मैंने कोई खून नहीं किया। तू ही रूपल को ब्लैकमेल कर रहा था ना? हां बोल, सीढ़ी किधर? सीढ़ी कहां है? बताऊं, सीढ़ी थी लेकिन लगता है गिर गई। मैं और अशोक सीढ़ी ढूंढने लगे कि तभी वहां पे वरुण आ गया, इसलिए मैं और अशोक बिना सीढ़ी लिए ही वहां से भाग गए। मैंने उसे 3 लाख रुपए दिए सीढ़ी का राज छुपाने के लिए, और ऊपर से और 5 लाख रुपए दिए सौरभ के बारे में झूठी गवाही देने के लिए। एसआई साहब, आपको अशोक को मारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इतने पैसे देने के बावजूद भी वो मेरा राज खोलना चाहता था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने तय किया कि मैं इसका भी खून कर दूंगा। लेकिन वो बच गया। दुर्भाग्यवश, योर ऑनर, अशोक बचा नहीं, मर चुका है। आपने एक नहीं, 3-3 खून किए हैं देसाई साहब। अभी तो आपने कहा कि वो मरा नहीं, बच गया है, और उसका स्टेटमेंट। देसाई साहब, कभी कभी सीधी उंगली से घी ना निकले, थोड़ी टेढ़ी कर लेनी चाहिए। डिफेंस प्रेस चलो। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद यह अदालत सौरभ आचार्य को इस केस से बाइज्जत बरी करती है, और सिद्धार्थ देसाई को इन तमाम हत्याओं के जुर्म में फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज। अन्ना, इस समय मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुना है कि आप छुट्टी पर जा रहे हैं। थक गया। क्या बात है। ऑल द बेस्ट आपके सफर के लिए। आप जाकर वहाँ ताजी हवा में सांस लीजिए, और आपके यहाँ ना होने से जो ताजी हवा यहाँ उत्पन्न होगी हम उसमें सांस लेंगे। क्यों?